एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एंड yes. ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ yes. तो मेरा ये है कि अगर जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती हैं तो अब क्या होता है कि भक्ति हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी नेगेटिविटीज़ हैं हम hmm. उससे तो हम uh, कर लेते हैं अपना हेल्प hmm. कर लेते हैं बट क्या होता है ना कि somehow आप uh, जो दूसरों से आती है आपसे जैसे hmm. कोई एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है तो हम उससे कैसे लड़ेंगे क्योंकि हम हमेशा आप uh, मैंने सुना है कि कहते हैं कि उसे एलिमिनेट कर दो उसे निकाल दो अपनी लाइफ से बट आप हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं कर पाते क्योंकि नहीं हो पाता हम हर किसी को लाइफ से नहीं निकाल सकते हो

कितनी अच्छी अपील कर ले अंपायर नॉट आउट ऐसे होता नाइट? वो भले दोबारा अपील करे इवन देन जो अंपायर होता है वो थम करके बोलता है ना नॉट आउट इस तरह से मन का भी अंदर स्वभाव है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है चिल्ला दे दिखा दे इसको इसकी औकात

देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम चाहे उसको भक्ति कहें चाहे स्पिरिचुअलिटी कहें चाहे राइट अंडरस्टैंडिंग कहें ऑफ द स्क्रिप्चर्स बट द पॉइंट इज कि जब अंदर से आप स्ट्रांग होते हो अंदर से आपको स्ट्रेंथ मिलती है तो दो चीजें होती है या तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जब आपके पास में आते हैं तो ज्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं रह सकते वो अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे आप नहीं होंगे वो होने लग जाएंगे तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब कोई ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो आपके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे और right. उस वक्त आपको लड़ने की स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ भी आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी देन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेम ऑफ माइंड कि बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोच करके समझ करके फिर आपको लड़ना है जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को लड़ने के लिए ये थोड़ी कि भागने के लिए जब लड़ने का मौका आ गया है तो लड़ना भी है तो ऐसा नहीं है कि देर इज वन सोल्यूशन देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पीपल एंड वी नीड टू डील इट इन वे फॉर का्पल आप कहीं पर जॉब करते हो और वहां पर मान लेते हैं कोई बॉस है आपका और वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है वहां पर kind of आपको उसके सामने खड़े होकर के बोलना है चाहे सबके सामने चाहे अकेले में इनफ इज इनफ आज के बाद में दोबारा से मेरे से इस तरीके से बात नहीं करनी है सिंपल यही तो बोलना है इसके लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए ना तो स्ट्रेंथ कहां से आती है जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे साथ में या तो कोई है दैट कुड बी भगवान शक्ति या फिर अगर मैं कुछ सही करूंगी तो मेरे साथ में गलत हो कैसे सकता है हां शॉर्ट टर्म में हो सकता है लॉन्ग टर्म में हो ही नहीं सकता अगर मेरी नीयत साफ है तो ठीक है okay.